ठीक है, फोटोसिंथेसिस में हमने देखा, देखो फूड का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, कैसे फूड बन रहा है। अब क्या करना है हमें, फूड बना के क्या लेना है, उससे एनर्जी भी गेन करनी है। जैसे हम खाना खा रहे हैं, हम क्यों खा रहे हैं खाना, क्योंकि हमें उससे एनर्जी चाहिए। ठीक है, सेम काम प्लांट्स के केस में भी है। प्लांट्स ने पहले फूड का प्रिपरेशन करा, अब उसको क्या चाहिए, अब उसको उसमें से एनर्जी को निकालना है। ठीक है, तो रेस्पायरेशन प्रोसेस में हम बेसिकली यही पढ़ रहे हैं कि फूड को क्या करना है, हमें उसका ब्रेक डाउन करना है। ब्रेक डाउन कैसे कर रहे हैं हम, बेसिकली ऑक्सीडेशन करेंगे फूड का, और उससे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम बॉन्ड्स की फॉर्म में स्टोर करेंगे। ठीक है, किसके बॉन्ड्स, एटीपी के बॉन्ड्स, इसीलिए एटीपी को क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, जब एटीपी एक बार बन गया तो उसके बाद हम उसे जहां भी रिक्वायरमेंट होगा टाइम के अकॉर्डिंग या प्रोसेस के अकॉर्डिंग उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर का मोटिव क्या है, ये समझना कि फूड को ऑक्सीडाइज करके एटीपी कैसे बन रहा है सेल्स के अंदर। ठीक है, कि एटीपी का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है, क्या सीक्वेंस है चीजों का। सही है, इतना हमने लास्ट में डिस्कस करा था कि बेसिक थीम क्या है। उसके बाद हमने देखा था कि रेस्पायरेशन के दो तरीके हो सकते हैं, एक हमने देखा था एरोबिक, ठीक है ना, और एक देखा था अनएरोबिक, डिपेंडिंग ऑन द ऑक्सीजन कि ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो एरोबिक किसमें होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब सेल के पास ऑक्सीजन है। ठीक है, तो उस रेस्पिरेशन को बोलेंगे हम एरोबिक रेस्पिरेशन, और जब एब्सेंस है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में होगा अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन से मतलब है कि इसमें डिफरेंट प्रोसेस चलेगा, प्रोसेस दोनों का डिफरेंट है, एरोबिक का अनएरोबिक का, वही हम पूरे चैप्टर में देखेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा फूड का, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब है कि फूड क्या है भाई, फूड भी एक तरीके से बायो मॉलिक्यूल है ना, जैसे हम ग्लूकोज की बात करते हैं, ग्लूकोज इज अ फूड। तो इसको क्या करें, इसको पूरा ब्रेक डाउन करना है, इसको पूरा तोड़ना है। CO2 लास्ट में निकलेगा बस, बाकी सारा हम ब्रेक कर देंगे तो CO2 रिलीज हो जाएगा लास्ट में, और बाकी सब एनर्जी की फॉर्म में जो भी चीजें रिलीज होंगी वो हम एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, एरोबिक के केस में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा फूड, पूरी तरीके से वो ब्रेक हो जाएगा, और जो एनर्जी मिलेगी हम एटीपी की फॉर्म में उसको स्टोर कर लेंगे। इसीलिए इसको बोल रहे हैं कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन के केस में एनर्जी कैसी मिलती है, मोर, हमें एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में ज्यादा एनर्जी मिलती है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई, गुड इवनिंग अनुभूति। लेकिन अगर हम इसकी बात करें अनएरोबिक की, तो इस केस में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, इसमें होगा इनकम्प्लीट, फूड पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज या ब्रेक नहीं होगा, और वो इनकम्प्लीट ब्रेक हुआ है, इसीलिए यहां पर एनर्जी जो होगी वो भी बच्चों लेस मिलेगी। ठीक है, बहुत कम मिलती है एनर्जी, बाकी क्या होती है, बाकी हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाती है एनर्जी, या हम बोले एटीपी जो बनेंगे सिर्फ दो बन रहे हैं, और बाकी जो है वो मोस्टली हीट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो गई, वेस्ट हो गई एक तरीके से। ठीक है, एनर्जी का बहुत कम प्रोडक्शन हुआ, एटीपी दो ही बने। तो इस केस में हम बोलेंगे कि एरोबिक रेस्पायरेशन एक तरीके से ज्यादा बेटर प्रोसेस है इन कंपैरिजन टू अनएरोबिक। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि सेल कौन से एनवायरनमेंट में, जैसे हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो सबको ऑक्सीजन मिल रही है, तो ऑब्वियसली हमारे में क्या होगा, एरोबिक रेस्पायरेशन, प्लांट्स के केस में भी। लेकिन अनएरोबिक किस में हो सकता है, जैसे कुछ बैक्टीरिया, और हम देखेंगे ईस्ट के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है बेसिकली अनएरोबिक रेस्पायरेशन। अनएरोबिक रेस्पायरेशन में ही हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे फर्मेंटेशन, क्या पढ़ेंगे, फर्मेंटेशन, अनएरोबिक रेस्पायरेशन यानी कि फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन भी दो तरीके का हो सकता है, एक तो होता है लैक्टिक एसिड अच्छा फर्मेंटेशन, हाँ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो सकता है, या दूसरा तरीका हो गया अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, तो फर्मेंटेशन के दो टाइप्स हम पढ़ेंगे। सही है, ये ब्रीफ मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में भी बताया था।
गुड इवनिंग रजनी। अब क्या देखना है हमें, इसके बाद हमने देखा था ग्लाइकोलिसिस, थोड़ा सा हमने देखा था ना, बोलो। यस करा मैम, था ना शॉर्ट में डिस्कस, दोबारा से यस देखते हैं, मैम, फिर स्टेप्स कराएंगे। ग्लाइकोलिसिस देखो फर्स्ट स्टेप है, इसको हम मान सकते हैं स्टेप 1। किसका, एरोबिक हो या अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों ही केसेस में ग्लाइकोलिसिस इज कॉमन। सही है, पहली बात तो यही याद रखनी है, ग्लाइकोलिसिस कॉमन फॉर बोथ एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होगा, उसके बाद डिसाइड होगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन करना है या अनएरोबिक। यानी कि पहले ग्लाइकोलिसिस हुआ सेल में, उसके बाद सेल देखेगी कि हाँ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट तो वह एरोबिक रेस्पिरेशन करेगी, ऑक्सीजन इज एब्सेंट तो वो अनएरोबिक करेगी। ठीक है, दूसरी बात, ग्लाइकोलिसिस में हो क्या रहा था। हाँ, ऑक्सीजन डजेंट मैटर, ग्लाइकोलिसिस के केस में ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है क्योंकि वो कॉमन है। ठीक है, वो होगा ही होगा। ग्लाइकोलिसिस में हो क्या रहा था, बेसिकली ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा था किसमें, पायरुविक एसिड में। ठीक है, पायरुविक एसिड में ग्लूकोज का हमने 1 मॉलिक्यूल लिया, तो पायरुविक एसिड के हमें 2 मॉलिक्यूल मिल रहे थे। ठीक है, 1 से 2 मॉलिक्यूल। 10 स्टेप का ये प्रोसेस है, 10 स्टेप का प्रोसेस है या पाथवे बोल सकते हैं, इसको EMP पाथवे भी बोलते हैं, ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट की किसने डिस्कवर करा, एम्डन मेयरहॉफ और पेरेनास। ठीक है, दूसरी बात, कहां पर होता है, अकर्स इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस होगा। उसके बाद पायरोविक एसिड में आगे की रिएक्शन होगी। इतने प्रोसेस को, यानी कि ग्लाइकोलिसिस को हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि ये पार्शियल ऑक्सीडेशन, अभी सिर्फ फूड थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हुआ है, पार्शियल ऑक्सीडेशन, आगे भी होगा, प्रोसेस धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। कैसे कैसे बढ़ेगा वो हम पूरे चैप्टर में अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां तक सबको क्लियर है। मैम ये एमपी का फुल फॉर्म बता दो वापस। किसकी, ईएमपी, ईएमपी की होती है, ये बेटा नाम पे है, किस पे, ये साइंटिस्ट के नेम होते हैं, एम्बडन मेयरहॉफ और पेरेनास। ठीक है, साइंटिस्ट के क्या है ये नेम है, आगे देखेंगे हम। ठीक है, इसको इन्वेस्टमेंट फेस भी कहते हैं ना। इन्वेस्टमेंट फेज भी होती है इसमें, पे ऑफ फेज भी होती है, वो अलग अलग होती है कि कितना नेट एटीपी हमने उसमें क्या करा, इन्वेस्ट करा। ठीक है, यूज हुआ उसमें, और कितना एटीपी जनरेट हुआ। ठीक है, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, तो ओके मैम, हम देखेंगे, हम पूरा साइकिल पढ़ेंगे तब पता लगेगा कहाँ पे क्या हो रहा है, एटीपी यूज हो रहा है, कहाँ पे रिलीज हो रहा है। तो ये बेसिक्स मैंने आपको बता दिए थे कि रेस्पायरेशन क्या है, एक एम्फीबॉलिक प्रोसेस है, ये भी देख लिया था हमने, क्योंकि कैटाबॉलिक और एनाबॉलिज्म दोनों हो रहे हैं इसमें। बेसिकली अगर हम देखें तो रेस्पिरेशन क्या है, कैटाबॉलिक है, क्योंकि ब्रेक डाउन देख रहे हैं हम फूड का, लेकिन कुछ इंटरमीडिएट ऐसे बन रहे हैं जिसमें क्या हो रहा है, जिसपे हमारे साथ के साथ क्या होंगे, बिग मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन भी होगा। हाँ सही लिखा है आपने, सही है। तो अब आज हम देखते हैं व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस। देखो ये जो डायग्राम है, ये है बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन का, जो हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि पहला स्टेप क्या है, दिस इज ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरुविक एसिड में। फिर ये पायरुविक एसिड, अभी तो कहाँ हो रही थी रिएक्शन, साइटोप्लाज्म में हो रही थी ना। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और बाकी सारा प्रोसेस कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होगा। ठीक है, चलो अब एक एक करके पहले वो देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, देखो यहाँ लिखा है, देखो कौन पूछ रहा था अभी, लास्ट स्लाइड कौन सी, ये वाली, ये अभी नहीं आएगी, बाद में समझ में आएगी, पहले ग्लाइकोलिसिस देखते हैं। इसमें यही दिखा रहा है कि ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, पहले ग्लाइकोलिसिस समझते हैं, फिर इस पर आएंगे हम, कितना एटीपी यूज हो रहा है, कितना जनरेट हो रहा है और कितना एनएडीएच बन रहा है। ठीक है, स्लाइड में जो स्किप कर देती हूँ ना, उसका मतलब ये मैंने बोल के बता दी वो चीज, उसको दोबारा फिर वन बाय वर्ड वर्ड पढ़ने का मतलब तो आपको दिखा था थोड़ी देर पहले कि पायरुविक एसिड वाला, वो वाला बोल रहे हैं। नहीं।
नो मेल, इससे पहले ये मैम 2 स्लाइड पर मैम आपने कुछ वर्क नहीं करा तो थोड़ा सा बताया था आपको हमें वर्क वाला, मैम। ये वाला। यस मैम थैंक यू। चलो तो देखो, अब देखते हैं पहले ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस। जब भी कोई भी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो सबसे पहले क्या होगा, वहां पे ग्लाइकोलिसिस होगा। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। इसको हम ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं, एम्बिडन, मेयरहॉफ और पैरानाज। ये पी इनके नाम है, ये साइंटिस्ट के नेम है और इनके नाम पे इसको ईएमपी पाथवे। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, नाम याद रख लेना पूरा पूरा। एरोबिक स्लाइड बेटा मैं इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि अभी लिंक नहीं कर पाओगे आप। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना तब दिखाऊंगी मैं आपको। छोटे का छोड़ेंगे कुछ नहीं, ठीक है, सब पढ़ेंगे, छोड़ना नहीं है कुछ भी। ये वाला कह रहे हो, ठीक है, सीक्वेंस में दिखाऊंगी, फिर बीच बीच में दिखाऊंगी ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। पहले क्या पढ़ते हैं, पहले हम पढ़ते हैं ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा। हाँ, तो बेसिक हमने देखा कि ग्लाइकोलिसिस क्या है। पहली बात, इट इज द कॉमन फेज, एरोबिक हो या अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, सबसे पहले क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस होगा। ठीक है, दूसरी बात, 10 केमिकल रिएक्शंस का ये पूरा प्रोसेस है, 10 स्टेप्स चलेंगे तब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, ये याद रखना है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल फाइनली पाइरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात। नाइदर कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन नॉर लिबरेशन ऑफ CO2, इसमें ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है। ठीक है, नो रोल। बाकी ये वही लिखा है, 2 मॉलिक्यूल से एक से क्या बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड के बन जाएंगे। क्या लिखा है, 3 से कहां लिखा है, ये 3 कार्बन, सब बताऊंगी, सुनते जाओ विवेक, सुनो पेशेंस। देखो यहाँ पे सी का क्या मतलब है, अब ये देखो ग्लूकोज क्या होता है, 6 कार्बन का होता है और पायरोविक एसिड होता है 3 कार्बन का कंपाउंड। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, इसने 6 कार्बन के कंपाउंड को ब्रेक करके 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बना दिया। समझ आ गया, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि एक ग्लूकोज कितने में कन्वर्ट हो गया, पायरोविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में। ठीक है, पूरा 6 का था, बाकी उसने 6 को डिवाइड करके 3-3 के 2 मॉलिक्यूल पायरोविक एसिड के बना दिए। ठीक है, जहां पे भी ये ऐसे लिखा होगा ना विवेक या बाकी सब बच्चे, इसका मतलब होता है कार्बन, 3 कार्बन 4 कार्बन ऐसे मिलेगा आपको इस चक्र में। ठीक है, ये कितने कार्बन का कंपाउंड है, इसका मतलब ये होता है। सही है जी। चलो अब देखो, ये है पूरा हमारा ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस। पहली बात तो ये, मैम एक बार लास्ट लास्ट स्लाइड दिखा देना। पहली बात तो ये है कि ग्लाइकोलिसिस में आपको एज इट इज पूरा रिएक्शन क्या है, स्टेप वाइज स्टेप याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, नीट में तो देखो नहीं आएगा लिखने को पूरा प्रोसेस, लेकिन उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं बीच के स्टेप से, और बाकी आपका जो मिड टर्म का एग्जाम होगा फाइनल, उसमें पूरा प्रोसेस भी आ सकता है कि ग्लाइकोलिसिस आपको लिखना है। लिबरेशन मतलब कि रिलीज हो रहा है, ठीक है, निकल रहा है प्रोसेस। ठीक है विवेक, रिलीज होना, लिबरेशन का मतलब है रिलीज ना। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यूज होता है ना ही CO2 निकलता है प्रोसेस में। आगे हम देखेंगे कि CO2 रिलीज भी होता है किसी किसी स्टेप में, इसमें ऐसा कुछ नहीं है ग्लाइकोलिसिस में। चलो तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, हमने लिया ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल। ठीक है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, यानी कि इस ग्लूकोज में फॉस्फेट का एडिशन हुआ। जहां भी फॉस्फेट का एडिशन होगा वहां पर ATP क्या होगा, ATP कंज्यूम होगा, क्योंकि फॉस्फेट कौन देगा, फॉस्फेट ATP ही देगा। जब उसने अपना एक ATP यहां पर दे दिया, तो उसने मान लो एक फॉस्फेट दिया तो वो किसमें, ATP से ADP में कन्वर्ट हो गया। ये बात समझ में आई सबको, ATP में कितने थे, 3 फॉस्फेट थे, और बाद में उसने एक फॉस्फेट किसको दे दिया, ग्लूकोज को दे दिया, तो उसके पास कितने बचे, 2 ADP। ठीक है, तो पहली बात तो यही है कि जहां पे भी फॉस्फेट का एडिशन होगा किसी भी मॉलिक्यूल में, ATP डोनर है, ATP देगा, और वो खुद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ADP में। सही है, तो पहला स्टेप हो गया। हाँ बोलो मैम, एक बार ATP वाला रिपीट करना। देखो
एटीपी क्या है, एटीपी में होते हैं बच्चों तीन फॉस्फेट के मॉलिक्यूल, क्या होता है एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, है ना, तीन फॉस्फेट होते हैं इसमें ऐसे एक के बाद एक लगे हुए। और जब ये क्या करेगा, यहाँ पे ग्लूकोज से इसने ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट बनाया, नीचे पढ़ो ये लिखा है, तो इसका मतलब ग्लूकोज में इसने फॉस्फेट को ऐड कर दिया, तो एक फॉस्फेट निकल के कहाँ चला गया, ग्लूकोज के पास, इसके पास अपने कितने बचे दो, तो ये एडीपी में कन्वर्ट हो गया, एडीनोसाइन डाई फॉस्फेट, समझ आई बात, यस एटीपी था ट्राई फॉस्फेट, एडीनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, जब इसने अपना एक फॉस्फेट दे दिया -1 फॉस्फेट, तो ये हो गया फिर डाई फॉस्फेट यानी कि एडीपी, ठीक है एडीपी, इसको एडीपी बोलेंगे। तो जहां पर भी आप देखो, देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ही हो रहा है, ग्लूकोज में ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया फर्स्ट स्टेप में, ग्लूकोज में फॉस्फेट ऐड हुआ है, तो ये कहाँ से आया, एटीपी से, एक एटीपी यूज हुआ है, कंज्यूम हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ग्लूकोज ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो गया, ये क्या हुआ, एक तरीके से आइसोमर्स होते हैं ना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या आइसोमर्स है, तो ये आपस में कन्वर्ट हो गए, कोई एडीपी नहीं ऐड, कोई फॉस्फेट हमारा नहीं ऐड हुआ, ये सिर्फ कन्वर्ट हो गया है फॉर्म, ग्लूकोज से फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखो, फ्रक्टोज से अब फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट बना, यहां पर दोबारा से एक फॉस्फेट और ऐड हुआ है, तो कौन देगा, फिर से एटीपी यूज होगा, ठीक है, एटीपी अपना एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल इसको दे देगा, तो ये क्या बन गया, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, जिसके अंदर दो मॉलिक्यूल है फॉस्फेट के, ठीक है, एटीपी यहाँ पर दोबारा यूज हो गया। उसके बाद ये कन्वर्ट होगा ट्रायोज फॉस्फेट और डीएचएपी में, ये देखो ये दो मॉलिक्यूल है, अब यहां ध्यान से देखना, ये क्या है, ये सिक्स कार्बन था, ये भी सिक्स कार्बन है, ये भी सिक्स कार्बन है, ये भी सिक्स कार्बन है, इसके बाद ये सिक्स कार्बन का फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट क्या हुआ, ब्रेक हो गया, तीन तीन कार्बन के इसने दो मॉलिक्यूल बना लिए, ये दिख रहे हैं, एक है ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और एक है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डीएचएपी भी बोलते हैं इसको, ठीक है, दो मॉलिक्यूल यहां बने, ये दोनों क्या है, ये दोनों ए और बी फॉर्म है, जो ये बने हैं दोनों ए और ये है बी फॉर्म, ये इंटर कन्वर्टेबल है, ये दोनों आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं एक दूसरे में, ठीक है, और दोनों ही क्या होंगे, फिर दोनों ही मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनाएंगे, ये भी बनाएगा ए वाला और ये बी वाला भी बनाएगा, ठीक है, और दोनों क्या बनेंगे, तो सेम मेथड बनाएंगे मैम, हाँ दोनों दोनों का सेम मेथड होगा पायरुविक एसिड बनाने का। नहीं होगा, ये इंटर कन्वर्टेबल है, लिखा है ना, ये देखो बीच में जो साइन बना है, इंटर कन्वर्टेबल, सेम यही प्रोसेस चलेगा, इन्होंने इसीलिए बस एक तरफ दिखाया है, इधर नहीं दिखाया, क्योंकि सेम ही प्रोसेस इधर भी चलेगा, इन्होंने यहां पर इसीलिए इसको इंटू टू कर दिया है, ठीक है ना, क्योंकि ये डबल चलेगा प्रोसेस, सही है। अब क्या होगा, याद क्या रखना है इसमें, याद यही रखना है कि किसके बाद बच्चों क्या बन रहा है और कहाँ पे एटीपी यूज हो रहा है और कहाँ पे रिलीज हो रहा है, यहां तक हो गए हमारे चार स्टेप। ये जो नेक्स्ट स्टेप है जहां पर ये एनएडीएच बन रहा है, इट इज हाईली इंपॉर्टेंट, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हमारा कन्वर्ट होगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, एल्डिहाइड से जब एसिड बनेगा तो एक एनएडीएच का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, उसके नेक्स्ट स्टेप में एटीपी बनेगा, फिर यहाँ लास्ट स्टेप में एटीपी बनेगा और लास्ट में हमारा पायरुविक एसिड का एक मॉलिक्यूल यहां से मिलेगा और एक यहां से मिलेगा, यहाँ पे भी ऐसी चलेगी क्योंकि सेम, ठीक है, सही है। तो हमारे फाइनली एक ग्लूकोज से हमें दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बने, और दूसरी बात क्या याद रखनी है, ग्लूकोज इज अ सिक्स कार्बन कंपाउंड और पायरुविक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, बोलो समझ में आया। बाकी बच्चों ये ना थोड़ा सा आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि और कि कहाँ पे क्या बन रहे ठीक हैं, एटीपी कहाँ पे रिलीज हो रहा है, कहाँ पे कंज्यूम होगा, कौन सी रिएक्शन में, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, इस वाली में देख लेना, इसमें थोड़ा सा क्लियर है चीजें, जैसे यहाँ पे एटीपी यूज हो रहा है, नीचे लास्ट में देखो जो ग्रीन में दिया है वहां पे क्या हो रहा है, एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है, दिख रहा है, देख लिया सबने, यस मैम यस मैम ही कौन बोला इतनी खतरनाक आवाज
ठीक है, ये देखो अब हम देखें तो देखो इसमें एटीपी कंज्यूम यानी कि कितने एटीपी क्या हो रहे, यूज हुए, कहाँ कहाँ यूज हुए, एक यहाँ पे यूज हुआ, एक यहाँ पे यूज हुआ, तो दो एटीपी यूज हुए हमारे, ठीक है, स्टार्टिंग की दो रिएक्शंस में क्या हुए, दो एटीपी हमारे यूज हुए। एनएडीएच कहाँ बन रहा है, एनएडीएच यहाँ बने और यहाँ पे दो एनएडीएच बने, दो कैसे बनेंगे, एक तो देखो इस वाले में बना और एक इसमें भी बनेगा, ये दो मॉलिक्यूल है, ठीक है, और दोनों एक ही प्रोसेस के तहत क्या बनाएंगे, पाइरूविक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे, तो दोनों में एक एक एनएडीएच यहाँ पर बनेगा। ग्लिसरेल्डिहाइड बेटा एक मॉलिक्यूल है, एल्डिहाइड ग्लिसरॉल पे जब एल्डिहाइड का ग्रुप लग जाएगा सीएचओ ग्रुप तो ग्लिसरेल्डिहाइड है, फिर ये एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लिसरिक एसिड में फाइनली, ठीक है, तो इस स्टेप पर क्या होगा, एनएडीएच का फॉर्मेशन होगा। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि एनएडीएच का फॉर्मेशन इनमें से किस स्टेप पर होगा, उसने आपको स्टेप लिख दिए, ये वाला स्टेप लिख दिया, एक ये वाला लिख दिया, एक ये वाला लिख दिया, तो आपको पता होना चाहिए किस स्टेप पे किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, सही है, तो उसका तरीका यही है कि आपको नाम ही याद करने पड़ेंगे, पूरा प्रोसेस याद करना है क्योंकि अभी तो तुमने सब्जेक्टिव पेपर भी देना है, तो उसको पूरा याद करो, एक एक दो दो करके याद कर लो, पूरा एक बार में नहीं हो पाएगा, ठीक है, और एनसीईआरटी में दिया है तो हाईली इंपॉर्टेंट है ये, सही है। एनएडीएच कितने बने, दो, एटीपी कितने फॉर्म हो रहे हैं, चार, देखो यहाँ पे दो एटीपी यहाँ बने, दो एटीपी यहाँ बने, तो टोटल कितने एटीपी फॉर्म हुए, चार। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि नेट गेन कितना हुआ एटीपी का, नेट गेन हमें कितना प्रॉफिट हुआ एटीपी का, तो चार एटीपी बने और दो यूज हो गए, है ना, चार यहां बने थे लेकिन दो प्रोसेस में यूज भी हुए ना, तो हमें नेट गेन कितना मिला, 2 एटीपी का, सही है। और ये तो दो एटीपी जो डायरेक्ट हमें प्रोसेस से मिल रहे हैं, इस तरीके के एटीपी गेन को बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल, समझ आया, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, जब रिएक्शन चल रही है वहीं पर जो एटीपी बन रहा है वो होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये एनएडीएच जो बना है ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाके एटीपी का फॉर्मेशन करेगा, समझ आई, ये डायरेक्ट नहीं बनाना, ये भी बाद में क्या करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके एटीपी में कन्वर्ट होगा, यहां पर नहीं हो रहा, यहाँ पे हमें कितने मिल रहे हैं, डायरेक्ट दो एटीपी मिल रहे हैं, तो जो भी एटीपी डायरेक्ट किसी केमिकल रिएक्शन में बन रहा है, हाँ मैं बताती हूँ, देखो दो एटीपी है ये तो समझ में आ गया ना, दो एटीपी मिल रहे हैं, चार टोटल, दो यूज हो गए, तो हमारे पास कितना बचा प्रॉफिट, दो एटीपी का। अब यहाँ पे आप देखो कि एक जगह तो मैंने लिखा है कि एनएडीएच बन रहा है, एक जगह लिखा है कि एटीपी बन रहा है, ठीक है, फोर एटीपी कैसे हुए, दोबारा से देखते हैं, फोर एटीपी देखो कंज्यूम कहाँ हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में कंज्यूम हो रहा है एटीपी, देखो ऊपर सबसे ऊपर जो टू लिखा है ये एटीपी क्या हो रहा है, ये यूज हो रहा है एटीपी, नहीं एटीपी, ठीक है, ये एटीपी कौन सा, ये खिचड़ी सी पक गई हम, एटीपी क्या हो रहा है, ये यूज हो रहा है, ये वाला एटीपी भी यूज हो रहा है, दिख रहा है, यहाँ देख लो एक एटीपी यूज हुआ, एक एटीपी टोटल अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो 8 एटीपी आएंगे, 8 कैसे आएंगे वो भी बताती हूँ, 4 वाली बात समझ आ गई सबको कि 4 कैसे हुए, बोलो 4 समझ में आ गए कैसे हो रहे हैं, यहाँ पे देखो यस मैम आ गए, दो है ना, ये दो है तो 4 तो हमारे बन रहे थे लेकिन हमारे दो क्या हुए, यूज भी हो गए, तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ हमारे पास, 2 एटीपी का। अब वो जो 8 एटीपी लिखते हैं वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि अभी हमने ये एनएडीएच वाले काउंट नहीं करे, दो एनएडीएच भी तो बन रहे हैं ना, दो एनएडीएच जब बनेंगे तो एनएडीएच क्या करता है, एनएडीएच माइटोकॉन्ड्रिया में जाके 3 एटीपी का फॉर्मेशन करेगा, तो 1 से मिले 3, 2 से कितने मिले 6, सही कह रही हूँ ना मैं, 6 एटीपी मिले, तो 6 एटीपी ये हो गए और 2 एटीपी हो गए, तो टोटल कितने और हुए, 8 एटीपी ग्लाइकोलिसिस के थ्रू हमें मिलते हैं, इनका कहने का मतलब ये मैम NADH ATP में कन्वर्ट हो जाएगा 3 एटीपी, हाँ बाद में होगा, फाइनली होगा, हम वो आगे पढ़ेंगे उसमें जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पहुंचेंगे, ठीक है, जितना NADH बन रहा है, FADH बन रहा है, GTP बन रहा है, वो सब कहाँ जाएगा, वो सब फाइनली ATP में ही कन्वर्ट होगा,
ठीक है, तभी इस चीज को क्या बोलते हैं, इस एनएडीएच वाले को हम नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ये एटीपी नहीं है, दिस इज अ डिफरेंट फॉर्म, सही है। इसीलिए मैंने बोला कि ये जो डायरेक्ट एटीपी मिल रहा है, दो एटीपी जो हमें डायरेक्ट मिल रहे हैं, दिस इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट के लेवल पे यानी कि रिएक्टेंट के लेवल पर जो एटीपी हमें डायरेक्ट मिल रहा है उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में नहीं जाना पड़ रहा, माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन एनएडीएच के फॉर्मेशन के लिए, इसको एटीपी में कन्वर्ट करवाने के लिए पहले हमें माइटोकॉन्ड्रिया में जाना पड़ेगा अंदर, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू मिल रहे हैं, ये सबस्ट्रेट लेवल नहीं हुआ, इसीलिए मैंने यहां बताया नहीं, ठीक है। सबस्ट्रेट लेवल सिर्फ दो है, और जो 8 एटीपी की बात हम कर रहे हैं वो होते हैं नेट गेन ऑफ एटीपी थ्रू किसके, थ्रू कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, नेट गेन। जब हम फाइनल प्रोसेस की बात करते हैं, हम फाइनल प्रोसेस में देखेंगे 36 और 38 एटीपी कैसे आया, तो हम देखेंगे क्रैब्स साइकिल से कितने मिले, ग्लाइकोलिसिस से कितने मिले, तब हम वहां पर 8 एटीपी लिखेंगे। लेकिन सबस्ट्रेट लेवल पे पूछा जाए, तुमसे रिएक्शन के लेवल पे पूछा जाए कि डायरेक्ट रिएक्शन से हमें कितने एटीपी मिले, तो हमें सिर्फ 2 एटीपी का गेन हुआ, मिले 4 थे लेकिन 2 यूज भी हुए, तो हमारे पास कितना प्रॉफिट हुआ, सिर्फ 2 एटीपी का। एनएडीएच को हम अभी डायरेक्ट काउंट नहीं करेंगे। क्वेश्चन आता है कि हमें नेट गेन बताना है एनएडीपीएच का, मतलब एटीपी का, तो क्या लिख सकते हैं, 8 या 2? 8 या 2 नेट गेन अगर पूछ रहा है ना, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। अगर वो पूछ रहा है नेट गेन ऑफ एटीपी थ्रू ग्लाइकोलिसिस, तब आप 8 ही लिखोगे क्योंकि वो पूरे प्रोसेस की बात कर रहा है, ठीक है, तब आप 8 ही लिखोगे क्योंकि हम आगे स्टेप बाय स्टेप काउंट करेंगे कि लिंक रिएक्शन में कितने आए, ग्लाइकोलिसिस में कितने आए, तो उस केस में हम वहां पर 8 ही लिखेंगे, ठीक है। अगर वो पूछते हैं सबस्ट्रेट लेवल पे, वो स्पेसिफाई करेगा, ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर उसे 2 आंसर चाहिए ना, तो वो लिखेगा वहां पे सबस्ट्रेट लेवल पे कितने कंज्यूम मिल रहे हैं, सिर्फ हमें डायरेक्ट विदाउट एनएडीएच कितने मिल रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ स्पेसिफाई जरूर करेगा क्वेश्चन में, ठीक है, समझ आ गई बात, बोलो भाई। यस मैम। ठीक है जी, आगे देखें। यस मैम। यस मैम। क्वेश्चंस करेंगे तब तुम्हें और क्लियर होगा, क्योंकि ऐसे कभी डायरेक्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, या तो वो सबस्ट्रेट लेवल पूछेगा, नेट गेन पूरा प्रोसेस का पूछेगा, ग्लाइकोलिसिस का पूछेगा, तो उसमें आपको 8 लिखना है, हो सकता है 2 ऑप्शन में ही ना दे क्वेश्चन, और कभी भी ऐसे वो नहीं होता कंफ्यूजिंग। क्या हो गया, रुक गए आप, चलो फिर आगे देखें। मैम जो पाइरूविक एसिड है वो 3 कार्बन का है। हाँ, पाइरूविक एसिड इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, ये देखो यहाँ पे देखो, फाइनली क्या हो रहा है ग्लाइकोलिसिस में, ये हमारा था ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस, इसमें जो ग्लूकोज हमारा 6 मॉलिक्यूल वाला था वो फाइनली कितने में ब्रेक हो गया, हाफ कर दिया एक तरीके से, देख रहे हो इसको, इन्होंने सिंपली इसको हाफ कर दिया है, एक ग्लूकोज था उसको बीच में से ऐसे ब्रेक कर दिया, तो 3 कार्बन का इधर, 3 कार्बन का इधर, 2 पाइरूविक एसिड के मॉलिक्यूल हमें मिल गए, 3-3 कार्बन के, ठीक है। सिंपलिसिटी में कहने का मतलब इनका ये है। अब ये पाइरूविक एसिड का मॉलिक्यूल कहाँ जाएगा आगे, ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन पर, ठीक है। पाइरूविक एसिड हमें मिल गया, अब क्या कंडीशन है, अब डिपेंड करता है कि वेदर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट और ऑक्सीजन इज एब्सेंट, ठीक है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सेल के पास ऑक्सीजन है, तो क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि फर्मेंटेशन होगा, समझ आ गई बात। तो अब हम देखते हैं हम फर्मेंटेशन में क्या हो रहा है, ये वही चीजें हैं कि 2 एनएडीएच बनेंगे, 2 एटीपी बनेंगे, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में, जो बाद में टोटल में अकाउंट हम करेंगे तब 8 एटीपी होंगे, ठीक है। सिर्फ लेवल पर, ग्लाइकोलिसिस के लेवल पर सिंपली 2 एटीपी, ठीक है, इसको काउंट करेंगे तब होंगे टोटल 8। सबस्ट्रेट लेवल पे कितने हो रहे हैं, 4 एटीपी फॉर्म हो रहे हैं, और नेट गेन कितना हो रहा है सबस्ट्रेट लेवल पर, सिर्फ वो होता है सिर्फ 2 का, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। देखो यहां भी लिखा है विदाउट ईटीएस, लिखा है ना विदाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि अभी माइटोकॉन्ड्रिया का कोई रोल नहीं आया, सिर्फ हम ग्लाइकोलिसिस की बात कर रहे हैं, तब हम लिखेंगे 2, अदरवाइज हम
फाइनल रिएक्शन में अगर देखेंगे तो 8 ही होते हैं वो। अभी जब लास्ट में पहुंचेंगे ना धीरे धीरे तुम्हें चीजें क्लियर होंगी। ये देखो अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट कि एटीपी कौन कौन से स्टेप्स में यूटिलाइज होता है, कहाँ हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में इसमें और थर्ड स्टेप में, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि किस चीज के कन्वर्जन में एटीपी कंज्यूम हुआ। जब ग्लूकोज ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ तब वहां पर एक एटीपी यूज हुआ। दोबारा से फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट जब फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट तब यहाँ पर एक एटीपी यूज हुआ। तो कहाँ पर एटीपी यूज हो रहा है, कहाँ पर कंज्यूमर यूज, तो एक ही बात हो गई, कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, वो आपको बिल्कुल बच्चों 100% याद करना ही करना है, ठीक है। एनएडीएच कहाँ बन रहा है, सही है, और एनएडीएच वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है। पूरा प्रोसेस किसमें होता है ग्लाइकोलिसिस का, बोलो, साइटोप्लाज्म, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं कि अब क्या होगा। अब ग्लाइकोलिसिस हो चुका है, ईटीएस वाला अभी समझाया ही नहीं मैंने, मीना छोड़ दो उस बात को, भूल जाओ, अभी आगे बताऊंगी, सीक्वेंस में चल रहे हैं, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस हो गया, पाइरूविक एसिड बनेगा, ठीक है, हमारे पास क्या आया, ठीक है मीना बाद में बताऊंगी, अभी कंफ्यूज नहीं होना, मैंने इसलिए अभी बताया ही नहीं, धीरे धीरे समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, आगे समझ आएगा सब। चलो तो ग्लाइकोलिसिस में क्या मिला हमें, फाइनली पाइरूविक एसिड हमें मिल गया। अब पाइरूविक एसिड आगे कैसे जाएगा, आगे क्या बनाएगा, वो डिपेंड करता है तीन तरीके, ठीक है। ये था हमारे पास पाइरूविक एसिड, अगर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, ठीक है, तो वो करेगा एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन इज एब्सेंट, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन इज एब्सेंट और इसमें भी ऑक्सीजन इज एब्सेंट, तो ऑक्सीजन एब्सेंट है तो दो कंडीशन है हमारे पास, दो तरीके से फर्मेंटेशन, या हम ये बोल सकते हैं दो तरीके से फर्मेंटेशन होता है, एक तो गया एरोबिक सिंपल, दूसरा हो गया हमारा फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन हो सकता है हमारा दो तरीकों से, एक में तो बनता है लैक्टिक एसिड, ठीक है, और एक में बनता है एथेनॉल, दो तरीके का फर्मेंटेशन है, सही है। ये दोनों किसके फॉर्म है, अनएरोबिक के, अनएरोबिक फर्मेंटेशन या अनएरोबिक रेस्पिरेशन को ही हम क्या बोल रहे हैं, फर्मेंटेशन, ठीक है। लैक्टिक एसिड मोस्टली बैक्टीरिया, हाँ बोलो मैम, अगर हमें एनएडीएच को एक्सपैंड करना होगा तो कैसे करेंगे, एक्सपैंड इन द सेंस फुल फॉर्म, यस मैम, निकोटीना अमाइड, मैंने फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में बताई तो थी, निकोटीना अमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन, ठीक है, बीच में एनएडीपीएच भी होता है तो उसमें बीच में फॉस्फेट और आ जाता है। लास्ट वाले जो मैंने तुम्हें वो दिया था ना फोटोसिंथेसिस वाला स्लाइड, उसमें वो पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें चेक कर लेना, अगर पी और होता है तो बीच में फॉस्फेट और आ जाता है, ठीक है। अब याद ये रखना है ये फॉस्फेट वाला केस में होता है सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस में, यहाँ पे हम सिर्फ रेस्पिरेशन में एनएडीएच की बात करेंगे, यहाँ पे पीएच मत लगा देना, ठीक है, दोनों डिफरेंट है। अब क्या देख रहे थे हम कि लैक्टिक एसिड किस में है, बेसिकली बैक्टीरिया के केस में हम देखेंगे कि जो बैक्टीरियल सेल्स है वो क्या कर रही है, लैक्टिक एसिड वाला फर्मेंटेशन कर रही है, यानी कि यहाँ पर एसिडिक फर्मेंटेशन हो रहा है, ठीक है। और एथेनॉल के केस में हम देखेंगे ईस्ट में, ईस्ट क्या होती है बताओ, ईस्ट क्या होती है बोलो बच्चों, ईस्ट हाँ यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, किसने बताया, नाम भी बताओ अपना, मैम कीर्ति, कीर्ति वेरी नाइस, बाकी बच्चों समझ में आ रहा है, आज मैंने देखा नहीं कौन बताया, आदित्य, आफरीन, आफरीन बेटा मैंने आपकी क्वेरी आगे फॉरवर्ड कर दी है, देखो आपको चेंज हो जाएगा शायद, ठीक है, ओके मैम। इकरा, बुशरा, रजनी, आजाद, समझ आ रहा है, उज्जवल, विवेक, ठीक है। दो तरीके का फर्मेंटेशन होता है, या तो एसिड का फॉर्मेशन हो या अल्कोहल का प्रेजेंट फॉर्मेशन हो, ठीक है। जब अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस केस में हम बोल रहे हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और एथेनॉल बनेगा, कौन बनाएगा, ईस्ट बनाएगा, ठीक है। और अगर एसिडिक फर्मेंटेशन है तो वहां बनता है लैक्टिक एसिड, दो कंडीशन, टेबल कौन सी टेबल, ये वाली,
यही वाली पायरुविक एसिड वाली। इसमें क्या है, सिंपली देखो पायरुविक एसिड आ गया, अभी क्या हुआ है, सिर्फ ग्लूकोज हमारा पार्शली ऑक्सीडाइज हुआ है। ग्लूकोज हमारा चला था, वो क्या बना, वो बना पायरुविक एसिड। ठीक है, ये अभी थोड़ा सा ब्रेक डाउन हुआ है फूड का, ग्लूकोज का थोड़ा सा पार्ट ब्रेक हुआ है, पूरा ब्रेक तो नहीं हुआ, इसको आगे भी ब्रेक करना है। तो आगे प्रेजेंट है अगर ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हम जाएंगे फिर क्रैब साइकिल में। ठीक है, और अगर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन इज एब्सेंट, तो यहाँ पर या तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा फर्मेंटेशन के थ्रू, या बन जाएगा एथेनॉल। डिपेंड करता है कि सेल कौन सी है, कौन सी सेल में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ठीक है, तो एथेनॉल वाला काम कौन करता है, बेसिकली ईस्ट, और ये लैक्टिक एसिड वाला काम करता है बैक्टीरिया या हमारे ह्यूमन की मसल्स। ह्यूमन मसल में भी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। कब होता है, जब मान लो आपकी सेल में क्या है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपने बहुत रिग्रस एक्सरसाइज कर ली। ठीक है, आपने क्या करा, आपने भागना शुरू करो, आप भागते जा रहे हो, भागते जा रहे हो, तो सांस फूलेगी हमारी, सांस फूली तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है बॉडी में। उस कंडीशन में ऑक्सीजन नहीं मिल रही मसल की सेल को, तो वो क्या करेगी, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में वो एरोबिक रेस्पिरेशन से लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, अब क्यों शिफ्ट हो रही है, ऐसा तो नहीं है ना कि वो एनर्जी बनाना बंद कर देगी, मसल को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। उस केस में उसने क्या करा, अपने आप को एरोबिक से अनएरोबिक फर्मेंटेशन पे शिफ्ट कर लिया, जिससे कि कम से कम कम एनर्जी मिले, 2 ही ATP मिले, मिले तो सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ATP चाहिए, ऑक्सीजन मिलने नहीं, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेगी वो शिफ्ट हो गई, उसने फर्मेंटेशन स्टार्ट कर दिया। सेल में क्या होता है, लैक्टिक एसिड फिर बनना शुरू हो जाता है, लेकिन ये कंडीशन ज्यादा देर सर्वाइव नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लैक्टिक एसिड बने ही जा रहा है, बने ही जा रहा है, तो वो क्या होगा, फिर वो डेंजरस कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, थोड़ी देर के लिए सर्वाइव करने के लिए क्या होता है, ये प्रोसेस शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि कम एनर्जी मिल रही है लेकिन मिलनी जरूरी है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, बोलो जी। यस मैम, यस मैम, है ना, यस मैम, कम मिल जाए, वो वाली बात है कि ना से बेहतर है जितना मिला वही सही। अब देखते हैं इनमें क्या होता है बेसिकली, मैम एक बार नॉल वाला प्रॉब्लम वो बता दो। ये वाला, यस मैम, इसमें देखो क्या होता है, मैंने ये बताया कि फर्मेंटेशन, ये दोनों क्या है, ये फर्मेंटेशन ही है। फर्मेंटेशन इज बेसिकली अनएरोबिक रेस्पिरेशन, जहां पर ऑक्सीजन एब्सेंट है ही नहीं या कम है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, या तो सेल लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करेगी या एथेनॉल का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, ह्यूमन मसल में हमारी जो बॉडी है उसमें मसल सेल्स में क्या होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। कब होता है, जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई। और मसल में डेफिशिएंसी कब होगी, जब आप मान लो बहुत एक्सरसाइज कर रहे हो या भाग रहे हो, भागते हो तो सांस फूलती है ना, आपको भागने की आदत नहीं और आपको भगा दिया, तो क्या होगा, सांस फूल जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो गई सेल में। जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो मसल सेल जो पहले क्या कर रही थी, वो पहले एरोबिक रेस्पिरेशन कर रही थी और वहां से उसे अच्छी खासी मात्रा में क्या मिल रहा था, ATP मिल रहा था। लेकिन जैसी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हुई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो क्या करेगी सेल, ये तो नहीं कर पाएगी ना, एरोबिक बंद हो जाएगा, तो वो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन स्टार्ट करेगी, यानी कि वो अन एरोबिक फर्मेंटेशन पर शिफ्ट कर जाएगी, क्योंकि यहां से उसको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे मिलती कम है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही ATP बनेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे 36 38 तक भी बनते हैं। तो इसका मतलब ये कि सर्वाइवल के लिए इसने क्या करा, अपने आपको शिफ्ट कर लिया कि भाई मरने से अच्छा है शिफ्ट हो जाओ। इतनी जल्दी भी नहीं होता, क्योंकि हमारी लंग्स में भी तो बच्चे स्टोरेज है ना, अभी हम लंग्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, जब ब्रीदिंग, उसमें हम देखेंगे कि हमारी लंग्स में कभी भी ऑक्सीजन ऐसा बिल्कुल खाली नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, तब नहीं होगा, आप भागते हो तब भी बहुत देर बाद होता है, ऐसे एकदम से नहीं होगा। ठीक है, और जो ट्रेनर मैम, रनर्स होते हैं ना, हाँ एरोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है? एरोबिक का बच्चे मतलब ही है, एरोबिक का क्या मतलब है, टर्म्स के थ्रू याद करना सीखो, एरोबिक का मतलब ही एयर, एरोबिक टर्म ही एयर से आया है। और अन एरोबिक का मतलब है कि अन मतलब होता है विदाउट, विदाउट एयर। ठीक है, सही है, ओके मैम।
छोटी छोटी बातें अगर नहीं क्लियर है तो पूछ लिया करो, क्योंकि अगर ये ही नहीं पता लगेगा तो फिर तो चैप्टर में मुश्किल ही हो जाएगा समझना। मैम जैसे कुछ लोग कहते हैं कि इसके अंदर स्टैमिना कम है क्योंकि जल्दी थक जाते हैं, तो मैम उसमें लंग्स में ऑक्सीजन होती है उसमें कम होती है फिर उस केस में? तभी तो जो ये रनर्स वगैरह होते हैं इनको स्टैमिना के लिए क्या कराया जाता है, इनको डिफरेंट तरीके से प्रैक्टिस कराई जाती है। वही वही चीज है कि कैसे आप अपने लंग की कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हो। आप किसी भी रेस को देखोगे ना, जैसे वो अफ्रीका का कौन सा है नाम ध्यान है तुमने, किसी भागता है वो कौन सा रनर है ध्यान है किसी को, जो नाम याद नहीं आ रहा अभी। तो उस केस में क्या होता है, आप किसी भी रेस को देखना, वो पहले धीरे भागेंगे, वो कभी भी तेज नहीं भागते, वो पहले धीरे भागते हैं और फिर लास्ट में एकदम से तेज भागेंगे। तो ये क्या होता है, इनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करी जाती है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी आपकी लंग्स की क्या कर। हाँ हुसैन बोल्ट, हुसैन बोल्ट, हुसैन नहीं है हुसैन है, सही लिखा तुमने, ठीक है। तो उस केस में क्या करते हैं, अपनी लंग कैपेसिटी को इंक्रीज करा जाता है, ठीक है, और मसल्स की भी, कि मसल्स क्या हो आपकी कम ऑक्सीजन लेके स्ट्रेंथ ज्यादा शो करें, वर्क ज्यादा परफॉर्म करें। इसके पीछे भी बहुत तगड़ी साइंस है, सही है जी। हम उस वाले चैप्टर में भी देखेंगे ये जब थोड़ी सी चीज है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि फर्मेंटेशन बेसिकली दो तरीकों से हो रहा है। वो दो तरीके कैसे हैं, देखो ये लिखा है अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड, ठीक है, दो टाइप्स का फर्मेंटेशन हो सकता है। यहाँ देखो फर्स्ट हम देखते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या हो रहा है, पाइरूविक एसिड किसमें कन्वर्ट होगा, एथेनॉल में। ये देखो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इतना प्रोसेस क्या है, ये तो सिंपली ग्लाइकोलिसिस है, समझ आ गया कि क्या है, ये सिंपली ग्लाइकोलिसिस है। यहां से हमें क्या मिला, ग्लाइकोलिसिस से फाइनली पाइरूविक एसिड का मॉलिक्यूल मिल गया। ऑक्सीजन एब्सेंट है तो क्या करा, यहाँ पे इसने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करके एथेनॉल और CO2 का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है, पाइरूविक एसिड कन्वर्ट हो गया CO2 और एथेनॉल में। ये चीजें याद रखनी है कि किसमें क्या प्रोडक्ट बन रहा है। हाँ बहुत तेज भागता है वो, ठीक है। और मोस्टली आप इसके पीछे ये भी रीजन है कि अफ्रीकन्स हमेशा रनिंग में फास्ट क्यों होते हैं, इसके पीछे कुछ और भी रीजन है, अभी वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन इसके पीछे है कुछ ऐसा लॉजिक, या तो जेनेटिक फैक्टर है या उनका टेरेन का फैक्टर है कि जिस एरिया में वो मिलते हैं वहां पर कुछ ऐसा है कि सभी में ये चीज है थोड़ी सी, क्या चीज है मुझे भी ध्यान नहीं आ रही अभी, सही है जी। तो आपको याद क्या रखना है, पाइरूविक एसिड से एथेनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एंजाइम का नाम कि किस रिएक्शन को कौन सा एंजाइम क्या कर रहा है, रन कर रहा है। पाइरूविक एसिड कन्वर्ट हो रहा है CO2 का, यहां ध्यान से देखो इसको छोड़ो, हाइट भी होती है, हम इसको छोड़ दो, इसमें देखो पाइरूविक एसिड से क्या बन रहा है, CO2 और एथेनॉल, तो एंजाइम क्या होगा, पाइरूविक एसिड डी कार्बोक्सीलेज, समझ आई बात। डी कार्बोक्सीलेज क्यों लिखा है, क्योंकि CO2 रिलीज हो रहा है। एंजाइम का नाम हमेशा किससे, प्रोडक्ट से या सबस्ट्रेट से मिलता जुलता होगा, तो ऐसा आपको बिल्कुल डिफरेंट नहीं होता कभी भी, ऐसा याद करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन चीजों को देखो पाइरूविक एसिड से क्या रिलीज हो रहा है, CO2, तो इसीलिए उसका नाम क्या है, पाइरूविक एसिड डी कार्बोक्सीलेज। डी का मतलब क्या होता है, किसी चीज को ब्रेक करना या क्या कर देना, कट कर देना, हम इसमें से क्या कट कर रहे हैं, CO2, डी कार्बोक्सीलेज। दूसरी चीज क्या बन रही है, एथेनॉल, एथेनॉल बन रहा है, तो यहाँ पे क्या नाम है दूसरे एंजाइम का, अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो क्या हो रहा है, डीहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में आपको ये दोनों एंजाइम्स के नाम याद रखने हैं, सही बात है, आगे देखें, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दूसरा तरीका। अगर पाइरूविक एसिड एथेनॉल ना बना के क्या बना रहा है, लैक्टिक एसिड बना रहा है, ये किस में होगा, बैक्टीरिया के केस में या हमारे मसल के केस में भी, ठीक है। एंजाइम का नाम क्या है, लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज, यहाँ पे लैक्टिक एसिड बन रहा है तो लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज, वहां पे क्या बन रहा था, अल्कोहल बन रहा था तो अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, ये ईस्ट के केस में होता है, ये ध्यान रखना, सही है। तो दोनों में क्या याद रखना है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, कौन सा एंजाइम रिएक्शन को रन कर रहा है, और साथ के साथ NADH का क्या हो रहा है, यहाँ पर कंजम्पशन हो रहा है, यानी कि इसीलिए हमने लिखा है डीहाइड्रोजिनेज, ये क्या हो रहा है, एक तरीके से क्या कर रहा है, उसको
हाइड्रोजन को या प्रोटोन आयन को हम बोले तो रिलीज कर रहा है, ठीक है, रिड्यूस हो रहा है। आ गई इतनी बात समझ में मैम? हाँ जी बोलो। पाइरूविक एसिड जो एथेनॉल में कन्वर्ट, अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, वो एथेनॉल की वजह से हो रहा है? एथेनॉल की वजह से हो रहा है मतलब? नहीं नहीं प्रोसेस है ये, तो वजह से क्यों, मतलब कुछ ना कुछ तो बनाएगा ना। जब ये पाइरूविक एसिड किसमें, ईस्ट के अंदर था, अब ईस्ट क्या थी, ऑक्सीजन मिल नहीं रही, उसके पास ऑक्सीजन कम थी, तो उसने क्या करा, यहाँ पे उसने एथेनॉल एक प्रोडक्ट बना लिया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी भी रिलीज होगी ना कुछ, वो एनर्जी फाइनली किसमें कन्वर्ट होगी, एटीपी की फॉर्म में। तो प्रोसेस का तरीका वही है, ये तो डिपेंड कर रहा है कि प्रोसेस में प्रोडक्ट क्या बनेगा। मेन मेन एम किसी भी रिएक्शन का क्या है, कि उसको प्रोडक्ट में ब्रेक करना सबस्ट्रेट को, और वहां से जो एनर्जी निकल रही है उसको एटीपी की फॉर्म में स्टोर करना। ठीक है, यही पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो? यस मैम, ये समझ आ गया मैम। ठीक है, प्रोडक्ट तो कुछ भी बन सकता है, ये तो फिक्स है रिएक्शन की, ये चलेगी तो उसके बाद यही बनेगा, ठीक है ना। अभी क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं देख रहे, हम अभी यहाँ डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, तब देखेंगे कि हाँ जी CO2 निकला तब ये इथेनॉल बन गया पाइरूविक एसिड, वो हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री के लेवल पे, कि पूरा स्ट्रक्चर ही देखना पड़ेगा आपको, कि स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस हुए, हर स्टेप पे क्या चेंज हुआ कि आपका CO2 निकला और उसके बाद ये पाइरूविक एसिड से इथेनॉल बना। सही है, तो दीज आर द टू मेथड्स ऑफ फर्मेंटेशन। अब देखते हैं आगे क्या होता है, ये दोबारा से वही चीज है, रेस्पिरेटरी पाथवे को और किस नेम से जानते हैं, और कौन सा नेम है बताओ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बोल देते हैं कभी सिंपली, क्योंकि मेन जो एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है वो वहीं पर होता है, ठीक है ना। चलो अब देखो, ये इतना प्रोसेस हमने पढ़ लिया कि सबसे पहले क्या था, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पाइरूविक एसिड, दो मॉलिक्यूल हमारे पास आए। जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी तो उस कंडीशन में या तो लैक्टिक एसिड बना या हमारा एथेनॉल बन गया, इसी प्रोसेस को हम बोल रहे हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या एल्कोहल फर्मेंटेशन। ठीक है, इतना हमने चीजें देख ली। अब देखते हैं हम, अगर यहां पर क्या है, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट तो क्या होगा, अब क्या कंडीशन होगी। ठीक है, हाँ करूंगी करूंगी, अभी करूंगी क्लास के बाद। ठीक है, अब देखते हैं वो, अब दो एक स्लाइड और देख लो। हाँ, ये ड्रॉबैक्स क्या है, फर्मेंटेशन के ड्रॉबैक्स यानी कि डिसएडवांटेजेस, एरोबिक के कंपैरिजन में अनएरोबिक एक तरीके से क्या है, कम यूजफुल प्रोसेस है। क्यों कम यूजफुल है, क्योंकि एक तो देखो इसमें एसिड और अल्कोहल बन रहे हैं, और एसिड और अल्कोहल ज्यादा मात्रा में बन गए तो दोनों ही क्या है, टॉक्सिक है बॉडी के लिए। ठीक है, चाहे वो बैक्टीरिया के केस में बने या हमारे केस में बने। सही है, तो एक तरीके से टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं। दूसरा एनर्जी का प्रोडक्ट, मैम जो पिछले वाली स्लाइड है एक बार और समझा दो, ये वाली गरम ये तो क्या हो रहा है, देखो ये ग्लूकोज से क्या बन रहा है, पाइरूविक एसिड, ये क्या हो रहा है, ये तो ग्लाइकोलिसिस ही हो रहा है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के बाद ये दिखा रहा है कि क्या होगा, ऑक्सीजन एब्सेंट है तो हमारा क्या होगा, फर्मेंटेशन होगा। फर्मेंटेशन के क्या हो गए, दो तरीके हो गए, एक ये हो गया लैक्टिक एसिड या एथेनॉल, दोनों में से एक चीज बनेगी। डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ईस्ट है तो वो एथेनॉल बनाएगा, और बैक्टीरिया या हम मसल की बात कर रहे हैं तो वहां पर लैक्टिक एसिड बनेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लैक्टिक एसिड यहाँ बन जाएगा ईस्ट के केस में। ठीक है, डिपेंड करता है कि कौन सा सेल है, कौन सा ऑर्गेनिज्म। सही है, अब हम यहाँ पे आगे की यहाँ ये चीज देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, ये आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। मैम सारे मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म लैक्टिक एसिड बनाएंगे, सारे क्यों बनाएंगे, मल्टी सेलुलर का है पहली बात तो, ये देखो यहाँ बैक्टीरिया है। yes, तो ये तो पहले सेलुलर हो गया। जो हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं ना, वो मोस्टली किसके केस में कर रहे हैं, वो हायर ऑर्गेनिजम्स के केस में कर रहे हैं, जैसे एनिमल्स हो गए और कौन हो गए, प्लांट्स हो गए, प्लांट्स है ना। ओके मैम, बस एक एक्सेप्शन था वो यहाँ पे इन्होंने दे दिया है कि मसल की सेल ऐसी है जो ये वाला काम कर सकती है। ठीक है, चलो तो अब क्या है, ड्रॉबैक देखा पहली बात तो, एसिड और अल्कोहल क्या है, हैजार्डस है, ज्यादा मात्रा में क्या करेंगे, वो बॉडी को नुकसान देंगे, तो ये ड्रॉबैक है। दूसरा, एनर्जी का प्रोडक्शन इज लिमिटेड, सिर्फ यहाँ पर दो एटीपी फॉर्म होते हैं, और अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन में देखें तो वहां पे 36 और 38 एटीपी तक बनेंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में
एनर्जी मिलती है, यहाँ पे नहीं मिल रही। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज भी होती है ना, वो हीट की फॉर्म में क्या हो जाती है, सिस्टम से या सेल से बाहर निकल जाती है, वो कन्वर्ट होके एटीपी का फॉर्मेशन नहीं कर पाती। ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, ट्रैप नहीं होती एनर्जी। अब क्यों नहीं होती उसका अलग रीजन होगा, लेकिन ट्रैप नहीं हो पाती, वो हीट की फॉर्म में मोस्टली रिलीज हो जाती है। सही है। तो दीज आर द थ्री ड्रॉबैक्स ऑफ फर्मेंटेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब देखते हैं कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब क्या होगा, तब होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। अब जो हमें पूरा प्रोसेस पढ़ना है वो पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन का ही पढ़ना है, कि कैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पहले तो वो पाइरूविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद जब उसको ऑक्सीजन मिली सेल में तो वो क्या गया, वो गया फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अभी तक कहां था, अभी तक मॉलिक्यूल था साइटोप्लाज्म में। अब पाइरूविक एसिड जब देखेगा कि हाँ जी ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, तो वो कहां जाएगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर शिफ्ट होना शुरू कर देगा, मतलब वहां पे उसका एंट्री शुरू हो जाएगा। पहला पॉइंट ये बताया था कि एसिड बन रहा है ना, लैक्टिक एसिड बन रहा है और एथेनॉल बन रहा है, तो दोनों अल्कोहल और एसिड क्या है, बॉडी में अगर ज्यादा क्वांटिटी में हो जाएंगे तो दोनों एक तरीके से अनसेफ प्रोडक्ट्स है ना, टॉक्सिक है ना, ये बताया था। नहीं नहीं हाँ प्रतिमा वो ही बता रही हूँ, अभी टाइम ओवर नहीं हुआ, सुनो सुनो, अभी साइकिल नहीं बताऊंगी, इंट्रो ही बता रही हूँ, ठीक है। देखो पहली बात तो ये, एरोबिक में क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, कि फुल एनर्जी रिलीज होगी और वो एटीपी में कन्वर्ट होगी, ठीक है। हाँ जैसे कोई ज्यादा पी के भी बैठ जाएगा तो वो बेहोशी हो जाता है ना, फिर यही कहने का मतलब है, ठीक है। तो देखो कंप्लीट ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, कि जो भी मॉलिक्यूल था वो फाइनली CO2 बन जाएगा, फाइनली क्या है CO2 रिलीज होगी प्रोसेस के लास्ट में, ठीक है। और क्या होगा, मोर नंबर ऑफ ATPs का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, वाटर रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगी, ये सब होगा, तब हम बोलेंगे क्या, कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है फूड का, सही है। पाइरूविक एसिड जो बना वो कहां जाएगा, अब वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये देखो यहाँ पर ये जा रहा है, ये जो जाता है ना, बस इतना प्रोसेस मैं तुम्हें आज बताऊंगी, क्रेब्स साइकिल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये जो अंदर जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पर होगी एक लिंक रिएक्शन, उसको आज देखते हैं, दो मिनट का प्रोसेस है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, साइटोप्लाज्म से माइटो पाइरूविक एसिड कहां जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। देखो क्या होता है फिर, दिस इज द लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, पहले रिएक्शन कहां हो रही थी, ग्लाइकोलिसिस हो रहा था साइटोप्लाज्म में, ठीक है। क्रैब साइकिल जो मेन हम पढ़ते हैं वो कहां हो रही है, वो प्रॉपर हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, दिख रही है ना यहाँ पे, ये कहां हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सही है। लेकिन एक रिएक्शन कहां होगी, एक रिएक्शन होगी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, कहां होगी, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस समझते हो, या हम बोलते इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये बात समझते हो, नहीं बोलो बोलो तो, हाँ या ना, नो मैम। देखो ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया डायग्राम में, देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया था, इसमें क्या है, एक है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है, फोल्डेड, और फोल्ड्स को क्या बोलते हैं, क्रिस्टी, ध्यान है किसी को या सब भूल गए, यस मैम ध्यान है, अंदर की फोल्डिंग्स को इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं क्रिस्टी, यस मैम क्रिस्टी, हाँ ये लिखा है देखो। तो ये जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का एरिया है, ये तो आउटर मेम्ब्रेन हो गई, और जो ये फोल्डेड दिख रही है ये क्या है, ये इनर मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच का जो ये एरिया है इसको बोलते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटरमेम्ब्रेन स्पेस भी बोलते हैं, यहाँ लिखा है देखो, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल, यहाँ लिखा है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल या इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, इंटर का मतलब होता है इंटरमीडिएट, यानी बीच के, मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, यहां पर होगी रिएक्शन। अब देखो ये एक सेल थी, इसमें क्या था, अंदर माइटोकॉन्ड्रिया था, सेल के अंदर ही होगा ना माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया था, यहाँ पे क्या हुआ, पाइरूविक एसिड कहाँ बन रहा है, साइटोप्लाज्म में,
तो जब ये जाएगा तो पहले यहां पर रिएक्शन होगी, उसके बाद और अंदर की तरफ ये जाएगा, ठीक है। पहली रिएक्शन कहाँ होगी, इस स्पेस में होगी, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन, ठीक है, लिंक रिएक्शन। उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो फिर अंदर जाएगा मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स क्या होता है, अंदर का एरिया। मैट्रिक्स क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर का जो लिक्विड या सेमी लिक्विड या फ्लूड पोर्शन है, वहां पर क्या होगा, बाकी प्रोसेस वहां पर होगा। इसीलिए बोल रखा है, जिसको नहीं पता, जो पीछे के चैप्टर से बच्चे सेल ऑर्गेनल्स वाले, वो एक एक बिल्कुल अच्छे से कर लो, किसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है ना, नहीं तो फिर चीजें नहीं समझ आती, ठीक है। तो इस रिएक्शन में देखते हैं, अब समझ आ गया कहां पर होगी रिएक्शन। यस मैम। बहुत बढ़िया, कौन था ये एकदम बुलंद आवाज में, मजा आ जाता है वैसे। देखो अब इस रिएक्शन में क्या होगा, इस रिएक्शन में पायरोविक एसिड आया ना बाहर से, साइटोप्लाज्म से पायरोविक एसिड कहाँ आ गया, पायरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी, ये पायरोविक एसिड कन्वर्ट होगा एसिटिल कोएंजाइम ए में, ठीक है। पायरोविक एसिड विल कन्वर्ट इनटू एसिटिल कोएंजाइम ए, किसकी हेल्प से होगा, कोएंजाइम ए और एनएडीपी प्लस, ये तीनों कंबाइन होंगे तो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा एसिटिल कोएंजाइम ए, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और एनएडी प्लस रिड्यूस होगी, क्या बनाएगा, एनएडीएच। एंजाइम को, रिएक्शन को रन कौन कर रहा है, पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज। देखो नाम सबस्ट्रेट से ही आ रहा है, एंजाइम का नाम हमेशा इसी से आएगा, पायरोवेट से, या फिर कभी कभी क्या होता है, प्रोडक्ट से, किसी ना किसी से लिंक जरूर होगा, ठीक है, पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि इसमें मैग्नीशियम आयन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, इट विल वर्क एज अ कोफैक्टर, इसकी वजह से ही एंजाइम क्या करेगा, रन करेगा। अगर मैग्नीशियम एब्सेंट है तो ये रिएक्शन रन नहीं होगी, ठीक है, समझ आ गई बात। ये आपकी फाइनल रिएक्शन है, जितनी भी रिएक्शन है ये आपको याद करनी है, पायरोविक एसिड विल कन्वर्टेड टू एसिटिल कोएंजाइम ए, रिएक्शन कहां होगी, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, इतनी बात आपको याद रखनी है, सही है। उसके बाद क्या होता है, ये एसिटिल कोएंजाइम में अब क्रैब साइकिल में जाएगा, तब हम पढ़ेंगे कि क्रैब साइकिल में क्या होता है, ठीक है। पायरोविक एसिड नहीं जाएगा, पायरोविक एसिड किस में जाएगा, पहले वो कन्वर्ट होगा, यहां देखो पायरोविक एसिड किस में कन्वर्ट हुआ है, एसिटिल कोएंजाइम में, लिंक रिएक्शन के थ्रू। उसके बाद एसिटिल कोएंजाइम में एंटर करेगा हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल में, या जिसको हम क्रैब साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो स्टेप वाइज स्टेप लर्न करना है, फर्स्ट स्टेप था ग्लाइकोलिसिस, सेकंड स्टेप हो गया ये लिंक रिएक्शन, जो कहां होगी, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। उसके बाद ज्यादा प्रोसेस कहां होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की तरफ। हाँ टाइम ओवर हो गया, आई नो, इससे ज्यादा समझ भी नहीं आएगा, फिर खिचड़ी पकेगी, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई, बोलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्लास मिस मत करना, नहीं तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगी।